Madam Principal Najma Beg Sahiba, Janab Asif Malik Sahab, Janab Aga Sahab, Shahan Rashid Sahab Advocate, Janab Akdas Bukhari Sahab Advocate, Janab Azim Sahab, Khawateen Hazrat aur Pyare Bachcho, Smart Excellent School, जैसा कि इसका नाम है और आज स्मार्ट सॉल्यूशंस का दौर है और वाकई बच्चों को देख के उनकी परफॉर्मेंसेस को देख के उनके कॉन्फिडेंस को देख के उनकी जो है वो एफिशिएंसी को देख के पूरा यकीन है कि ये तालीमी इदारा बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है बच्चों की तालीम के अलावा उनकी तरबियत में उनके कॉन्फिडेंस के लिए मैं जनाब शुक्रगुजार हूँ मैडम निजमा बुखारी साहिबा का और स्कूल की पूरी इंतजामिया का मैनेजमेंट का और कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम इस खूबसूरत तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखने का मौका मिल रहा है मैं जनाब आसिफ मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस एक बेहतरीन तालीमी इदारे का हमें तारफ करवाया और उन्होंने ही हमें मैडम का मैसेज जो है वो कन्वे किया इसके लिए मैं आसिफ मलिक साहब खुद एक बहुत बड़े मशहूर टीचर हैं और बड़े इनकी फॉलोइंग्स हैं स्टूडेंट्स में मैं उनका भी शुक्रगुजार जो तालीम के हवाले से जो टाइम काफ़ी हो गया है मैं मुख्तसरन बात करूँगा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक नसीहत है बच्चों की तरबियत और तालीम के हवाले से उसका मैं इजहार करना समझता हूँ कि बड़ी हमारे लिए बाइस बरकत है और हमारे लिए निजात का सबब भी बन सकती है वो बात उन्होंने फरमाया कि ये जो बच्चा होता है इसको पहले 7 साल तक की उम्र में आप इसको बादशाह बना के रखें आप इसको 7 साल की उम्र तक इसको घबराएं मत इसको डराएं मत इसको हौसला मत करें इसको एतमाद दें इसको प्यार दें इसलिए कहा जाता है कि जहाँ भी एतमाद होता है वो एक बड़ा मशहूर दुनिया का मुफक्कर जो कन्फ्यूशियस था उसने कहा कि जो एजुकेशन है वो कॉन्फिडेंस देती है और जो कॉन्फिडेंस होता है वो होप देता है और जिस बंदे में होप पैदा हो जाती है वो क्रिएटिविटी कर लेता है वो बड़ा क्रिएटिव होता है लिहाजा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये जो कॉल है कि पहले 7 साल तक के बच्चे को आप बादशाह बना के रखें उसको उसमें प्यार अछावर करें तो उसका नतीजा ये होगा कि एक तो उसको अपने वालदेन के साथ जो प्यार और उनसियत और मोहब्बत और जो लगन है वो बेपना होगा और उसी के नतीजे के तौर पे उसमें बड़ा एतमाद पैदा होगा और फिर फरमाया कि उसके जो नेक्स्ट 7 ईयर्स हैं उस दौरान उसको किसी ट्रेनिंग से गुजारें उसको किसी एक्सरसाइज से गुजारें उसको किसी मशक्क़त से गुजारें और फिर कहा कि उसके बाद जो 7 साल उसके शुरू होते हैं जब वो 14 ईयर्स का हो जाए तो आप उसके साथ दोस्ती कर लें तो लिहाजा अभी जो बात हुई यहाँ पे एक स्किट पेश किया गया जिसमें कि सोशल मीडिया के नकायस या बुराइयाँ या खामियाँ बयान की गई अगरचे इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जो मैंने अभी बात अर्ज की है कि जब आप बच्चे के साथ उसको कॉन्फिडेंस दिया उसको ट्रेन किया और फिर उसके बाद उसके साथ दोस्ती कर ली तो वो हर एक बात आपसे शेयर करेगा और जब वो आपसे बात शेयर करेगा तो आप उसकी रहनुमाई करेंगे जहाँ पे उसके लिए नुकसानदेह चीज़ होगी उस नुकसानदेह चीज़ से आप उसको बचाएंगे
तो लिहाजा तरबियत के हवाले से मैं मैडम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिस मुल्क से तशरीफ लाई है, जहाँ पे भी उन्होंने टीचिंग की है, उनको अब सौ बातें उनके खिलाफ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बने शरीर में भी आज भी जो तालीम के कोई निशानात हैं वो उन्हीं के दिए हुए निशानात हैं। जो तालीमी इदारे अगर मयारी हैं तो वो भी उन्हीं के दिए हुए तालीमी इदारे हैं। कोई सिस्टम है अगर तो वो भी उन्हीं का मयारी सिस्टम जो है वो दिया गया है। लिहाजा हमें तासुब का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें होशर जो है वो जो अच्छी चीज़ें हैं मोमेंट के लिए कहा गया है कि जो अकल की बात है वो उसकी बताए और गुमगुश्ता है उसको जहाँ से मिले उसको हासिल करनी चाहिए। तो मैडम इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा उनका हौसला है, हिम्मत है, तो अल्लाह करे कि उनकी इस हिम्मत में हौसले में कोई कमी ना आए और वो मजीद। और मैं एक बात और मैडम से अर्ज करना चाहूँगा कि चूँकि हमारे यहाँ जैसे चौधरी साहब ने भी फरमाया कि हमारे 2.5 करोड़ या 3-3.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो तालीम के बगैर हैं, वो स्कूल में नहीं जा सकते, उसकी एक बुनियादी वजह तो माशी हालात हैं या माशी कमजोरियाँ हैं या गुरबत है उसकी सबसे बड़ी वजह, जिसकी वजह से वालदेन अपने बच्चे को जब वो 5-6 साल का हो जाता है तो उसको मजदूरी में लगा देते हैं। तो लिहाजा एक जो पहले भी मेरा ख्याल है कि वो इस पर यकीनन काम कर रहे होंगे, लेकिन एक खास परसेंटेज ज़रूर ऐसी बच्चों की रखें कि जिन जो एफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके वालदेन उनको तालीम इसलिए नहीं दिला सकते उनके पास वसाइल नहीं है, उनको आप फ्री एजुकेशन मुहैया करें। और ये आपका तालीम तो वैसे भी सदका जारिया है, लेकिन ये जो सदका जारिया होगा वो आपके तालीमी इदारे में इतनी जो है वो रहमतें नाजिल होंगी इसकी वजह से, इतनी बरकतें होंगी इसकी वजह से कि ये आपका इदारा जो है वो दिन दिन की रात की तरक्की करेगा। लिहाजा इस हवाले से भी और ये मैटर ऑफ कंसर्न है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो इस तरह के बच्चे भी मौजूद हैं कि जो तालीम स्कूल में नहीं जा सकते, और जब वो स्कूल में नहीं जा सकते तो उसका नतीजा ये होता है कि वो नाउम्मीदी का शिकार होते हैं, और जो कोई नाउम्मीदी का शिकार होता है वो फिर अपने लिए भी तबाही करता है और दूसरों के लिए भी तबाही करता है। आज हम देखते हैं कि जितनी भी दहशतगर्दगी की सरगर्मियाँ हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके पीछे जो कार फरमा अवामिल है उसमें एक माशी मसला भी है, उसमें बेरोज़गारी भी है, उसमें तालीम की कमी भी है, उसमें तरबियत की कमी है। लिहाजा मैडम से जहाँ पे वो सेक्रीफाइस कर रही हैं मैं उनसे ये गुजारिश भी करूँगा कि ये एक स्टेप कौन लेंगी, यकीन को इससे पहले भी काम कर रही होंगी लेकिन ये एक फर्दर स्टेप जो है वो लेंगी, तो उसका नतीजा ये होगा कि ऐसे वालदेन जिनके बच्चे जो बेआसरा हैं, यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन बच्चे हैं, वो आपके लिए हमेशा दुआ दो रहते हैं, ये नहीं उनके दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। लिहाजा इन हवालों से और उसके अलावा जो आपके फैकल्टी मेम्बर्स हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों की शानदार तरबियत की है, उनको बड़ी रिहर्सल करवाई है। कहा जाता है ना कि जो सांस से निकलती है वो सब ने सुनी है, जो सांस पे गुजरी है वो तो किस दिल को बता है कि बच्चा परफॉर्म कर रहा है स्टेज पे आके, लेकिन उसके पीछे जिसकी कारगुजारी है, जिसकी कारकर्दगी है, उसके दिल पे जो गुजरी है, उसने जिस मेहनत और मुश्किल से वो उस बच्चे को इस काबिल बनाया है, वो उसको दाद देने के लिए उसकी उसको उसकी तहसीन करनी जो है वो नहायत जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन टीचर्स के लिए भरपूर तालियाँ होनी चाहिए आपके तरफ से कि उन्हें शानदार तरफ दी। मैं यही अल्फाज में अपनी बात को खत्म करता हूँ, आखिर खुदा वाला नेक जुमला मैम नजमा बेग साहिबा
साहब, आदा असद साहब, सरदार मोहम्मद शफीक साहब, हमारे एफ स्मार तहसील इस्लामाबाद के सदर मलिक असलम रशीद एडवोकेट साहब, बेस्ट स्कूल सिस्टम और हमारे न्यायाधी पदवाणी विक्रम मोहम्मद आलम साहब, लेडीज रिस्पेक्टेड मदर्स टीचर्स स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, चौधरी साहब ने और सरदार साहब ने गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त की है और इनकी गुफ्तगू के बाद मेरे लिए एक बात करना मुनासिब नहीं होगा। ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आदम साहब और खान साहब बैठे हैं, इनकी मोहब्बत है, इन्होंने मुझे एक्सम हसन अब्दाल का पैटर्न इन चीफ बनाया है। दूसरा मेरा एजाज़ यहाँ पर मैं आज ये आपको खुशी होगी कि जो यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ है तो मैं बार एसोसिएशन हसन अब्दाल के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हूँ बार एसोसिएशन हसन अब्दाल का, उस हवाले से मैं उकला की मंगी भी याद कर रहा हूँ। मैडम बहुत तो हमारे बाद आपको दादे कैसे पेश कर रहा हूँ, आपके स्टाफ को, टीचर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को, कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम तकलीफ दिया और वाकई बड़ा नहायत ही डिसिप्लिन प्रोग्राम था। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर तो वन पॉइंट एजेंडा होता हुआ डिसिप्लिन, हम लोग डिसिप्लिन में प्रोवाइड नहीं करते। डिसिप्लिन एक बड़ी वसी टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और जो इदारे डिसिप्लिन के हवाले से उसका ख्याल करते हैं, उसकी पाबंदी करते हैं, तो वही इदारे नाम पाते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि स्मार्ट एक्सीलेंस स्कूल जो है ये भी इनके बच्चों में डिसिप्लिन मौजूद है और स्टाफ की, टीचर्स की भरपूर मेहनत नज़र आती है आज के इस प्रोग्राम के पीछे। यहाँ पर मदर्स भी बैठी हुई हैं, तो मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा मदर्स को। मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चों को आप सोने का नवाला खिलाएं और शेर की निगाह से देखें। इस बात को आप सारे लोग समझ गए होंगे कि आपने अपने बच्चों की तालीम के साथ तबीयत का ख्याल भी करना है और स्मार्ट एक्सीलेंस स्कूल ऐसे इदारे जहाँ पर आपके बच्चों की तरबियत हो रही है और वाकई खुश नसीब हैं आप लोग। आप लोगों के बच्चे महफूज हाथों में हैं और इस इदारे के अंदर आपके बच्चे जेर तालीम हैं और ये इदारा नज़र आता है कि कितना बच्चों के लिए काम कर रहा है। इस तरह पहले बार बार जिक्र हो चुका है कि मैं भी यहाँ पर यूके से तशरीफ लाई हुई है, यहाँ पर वहाँ की डेफिनेटली होल्डर हैं, उन्होंने वो अपना टाइम आपके लिए आपके बच्चों को दे रही हैं, तो यकीनन ये बड़ी बाइस्तफा की बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस इदारे के लिए, स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए जो आज ये प्राइज दिया भरपूर तरह क्लैपिंग करें। मैं मुंतविस हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ आलम साहब का, जिनकी वसादत से आज यहाँ पर हाजिरी का मौका मिला। मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ, बहुत खुशी हुई है और वाकई चूँकि मई का महीना जा रहा है, मई का महीना तो तकरीब स्कूल के एनुअल फंक्शन जो कि ऑलरेडी मार्च अप्रैल में हो जाते हैं, फिर भी इस गर्मी के अंदर इस डिसिप्लिन के साथ मदर्स का बैठना, बच्चों को परफॉर्म करना बड़ी काबिल फख्र बात है। और मैं वो सके तमाम मदर्स को आपको खराज इज़्ज़त पेश करता हूँ कि आपके बच्चे यहाँ जेर तालीम हैं और ये टीचर्स ऊपर से 15 टीचर्स हैं। जिस तरह असलाम साहब ने कहा था कि ट्राइंगल होती है स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, ये ट्राइंगल जब मिलती है, तमाम एंगल जब मिलते हैं तो बच्चों की तालीम तरबियत के तमाम तकाजे पूरे होते हैं। वंस अगेन मेरी तरफ से तमाम स्टाफ को, स्टूडेंट्स को और ख़ासकर मैं भेजूँगा आपको बहुत मुबारकबाद कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से और इतने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सरदार शहर में एक तालीम रन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, असल की उनकी तकरीर से पत्थर भी पिघल जाते हैं। अब मैं आपकी भरपूर तालियों से असातिज़ा कराम की अजमत पर शेर व शायरी के लिए दावत देता हूँ अब्दुर्रहमान को कि वो स्टेज पर आएँ और शेर व शायरी करें। शुक्रिया। मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया।
पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से वाकिफ था जरा भी।